हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटेसी बस पे। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो थर्ड T20 फाइनल T20 कप कह सकते हैं कि बिकॉज ये सीरीज़ बराबरी पे चल रही है। अब हो सकता है कि जो भी ये मैच जीतेगा वही ये सीरीज़ भी जीतेगा। तो यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, आपको बहुत सारे न्यूज़ और अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस करके। अब हम चलते हैं प्रीव्यू की तरफ, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा फाइनल अपडेट आफ्टर टॉस यहीं पे आपको दिया जाता है, वो भी फ्री में। आपको करना कुछ नहीं, अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद कोने में एक सर्च का बटन दिखेगा, वहाँ सर्च का बटन पर जाके आपको क्लिक कर लेना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है FANTSYBUZZ11। वो तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो फैंटेसी बस 11 सर्च करना है, FANTSYBUZZ11। ये सर्च करेंगे तो 65,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखेगा, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है फ्री में। सारी फाइनल अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पिच रिपोर्ट से। तो न्यूलैंड कैप टाउन का ये ग्राउंड है और यहाँ पे आपको पिच जो है थोड़ा सा न्यूट्रल देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा बैट्समैन के लिए एडवांटेज रह सकता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जनरली इस पिच पर जो मैचेज खेले जाते हैं वो ज़्यादातर स्लो, मतलब पिच जो है वो स्लो रहता है, तो इस सिचुएशन में स्पिनर्स थोड़ा अंदर आ सकते हैं गेम्स में। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, उसी बेस पे मैंने अपनी कॉम्बिनेशन को भी क्रिएट किया है। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो है यहाँ पे लास्ट 20 मैचेस का 149 और सेकंड इनिंग का 143। 20 मैचेस में जो है फर्स्ट मतलब बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 बार और बाद में बल्लेबाजी करने वाली 13 बार जीती है, और एक मैच जो है यहाँ पर टाई रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा है कि बस पिच थोड़ा स्लो रहती है, तो उसके बीच उसके हिसाब से आपको टीम्स क्रिएट करना है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग क्या हो सकती है। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम में हो सकता है यहाँ से टेम्बा बाउमा वापस आ जाए अगर फिट हो गए होंगे तो रिजा हेंड्रिक्स की जगह पे वापस आएंगे, तो रिजा हेंड्रिक्स बाहर जा सकते हैं। उन्होंने लास्ट मैच में 14 रन बनाए थे और यहाँ से बाउमा काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे, बस थोड़ा सा इंजर्ड हो गए थे। यहाँ पे हम बात करें क्विंटन डिकॉक काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ से 70 रन बनाए लास्ट मैच में। वहीं हम बात करें फाफ डू प्लेसिस का, तो इनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे फाफ डू प्लेसिस, इनका फॉर्म थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन फिर भी एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, कभी भी अच्छा खेल सकते हैं। उसके बाद आरवी डसन यहाँ पे लास्ट मैच में 37 रन का स्कोर किया, ये भी एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, अगर बल्लेबाजी आई तो कहीं ना कहीं आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार T20 में हिटिंग के चक्कर में जल्दी भी अपना विकेट दे देते हैं ये, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। डेविड मिलर ये भी एक हिटिंग एबिलिटी वाले बल्लेबाज हैं और आप इनकी हिटिंग से मतलब सब जानते होंगे इनकी हिटिंग के बारे में, लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि बैट्समैन आपको वैसे सेलेक्ट करने हैं जो कि स्पिन को थोड़ा अच्छा खेलते हो। ओके, उसके बाद विलजॉन की जगह हो सकता है जे जे स्मिथ आ जाए, क्योंकि ये पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करा लेते हैं, उसके बाद यहाँ से कुछ अच्छा बैटिंग भी कर लेते हैं, मतलब बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। फेलुकावे और ड्वेन पिटोरियस में थोड़ा रिस्क है, वैसे मेरे हिसाब से पिटोरियस खेलेंगे। अभी हम बात करें तबरीज शामसी तो खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनको हेल्प भी मिल सकती है। कगिसोर अबाडा एक विकेट लिया लास्ट मैच में, अच्छे गेंदबाज हैं, आप सभी को पता है मेन बॉलर है साउथ अफ्रीका टीम के। डेल स्टेन की जगह पे नॉर्तजे खेले थे, इन्होंने एक विकेट भी लिया था, तो इन दोनों में थोड़ा दिक्कत है कौन खेलेगा, फिर से मेरे हिसाब से डेल स्टेन की वापसी हो सकती है। एल लगेडी काफ़ी अच्छा उमदा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ तक 2 मैच में 4 विकेट लिए, उससे पहले इनका परफॉर्मेंस इससे पहले वाली सीरीज़ में भी काफ़ी बेहतर था, तो यहाँ से मेरे हिसाब से इनके प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो इनका इंपॉर्टेंट पिक की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ से डिकॉक और बहुमा अगर खेलते हैं, तो उसके बाद फाफ डू प्लेसिस डसन में से कोई एक, उसके बाद यहाँ से आप लोगों को नगीडी तो कंफर्म है, और यहाँ से आप रबाडा या तबरीज शामसी में से कोई एक, और अगर डेल स्टेन खेलते तो इनमें से किसी एक को, या फिर यहाँ से पिटोरियस और फेलुकावे में से कोई कोई खेलता है तो कोई एक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। अब इनके ओपन बॉलर के बारे में मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से डेल स्टेन, नगीडी, रबाडा, दस में नगीडी, रबाडा और नॉर्थजे अगर खेलेंगे तो, अदरवाइज दस में कराने के भी चांसेस कम रहेंगे बिकॉज इनके पास रबाडा और नगीडी बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं, एक बार और मैं आपको बता दूं इसमें प्लेइंग 11 में कुछ भी चेंज होगा आफ्टर टॉस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है फाइनल अपडेट के लिए। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, टेलीग्राम पे या गूगल पे जाकर कहीं पे भी सर्च करना है FANTSYBUZZ11, ये सर्च करना है, 65,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल दिखेगा, वहाँ पर जाकर आपको फ्री में जुड़ जाना है। अब हम यहाँ से बात करें ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, तो डेविड वार्नर लास्ट मैच में 67 रन बनाए, स्पिन के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत बेहतर प्लेयर है। एरन फिंच हिटिंग के चक्कर में कभी कभार जल्दी आउट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये भी काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, आप सभी को पता है, रिसेंट में काफ़ी अच्छे स्कोर भी कर रखे हैं, खासकर जब T20 की बात आती है तो एक मस्ट पिक ऑप्शन हो जाता है। वहीं स्टीवन स्मिथ भी एक मस्ट पिक ऑप्शन होंगे, वन डाउन बल्लेबाजी करने आएंगे, प्लस आपको हर हर मतलब हर तरीके से आप समझ सकते हैं इनके पास एबिलिटी है कि कहीं ना कहीं 20 से 30 रन का स्कोर करके ईजी जाएंगे। उसके बाद
मैथ्यू वेट लास्ट मैच में एलेक्स कैरी वन डाउन यहाँ पे आए थे बल्लेबाजी करने मैथ्यू वेट की जगह पे, और फर्स्ट मैच में मैथ्यू वेट मतलब टू डाउन आए थे। तो इनका बैटिंग ऑर्डर यहाँ से थोड़ा गड़बड़ है, कौन सा बल्लेबाज किस नंबर पर बल्लेबाजी करेगा। उसके बाद मिचेल मार्श, इन मतलब इन तीनों का ही बल्लेबाजी क्रम कुछ फिक्स नहीं है। तो इसी सिचुएशन के लिए मैंने आपको ये भी बोला कि मैथ्यू वेट और एलेक्स करी दोनों रिस्की हो सकते हैं, लेकिन मैथ्यू वेट और एलेक्स करी दोनों ही एक ही कैटेगरी के बल्लेबाज हैं, दोनों में हिटिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बीबीएल में दोनों ने ही काफ़ी धूम मचा रखी थी। मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं करा रहे, बल्लेबाजी से कभी कभार बहुत नीचे आ रहे हैं और आ रहे हैं तो कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। एस्टन अगर ने 5 विकेट का होल लिया था लास्ट सेकेंड लास्ट मैच में, और अभी इस विकेट पर भी इनको अच्छी सफलता मिल सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से पिच अगर स्लो रहती है तो खासकर जब ऑस्ट्रेलियन टीम अगर सेकेंड इनिंग में मतलब फर्स्ट बल्लेबाजी कर रही है तो मेरे हिसाब से फिर एस्टन अगर मस्ट पिक हो जाएंगे। पैट कमिंस हिटिंग के साथ साथ आपको ये गेंदबाजी में विकेट भी निकाल के देते हैं और मेन बॉलर है अपनी टीम के लिए, और 10 में तो गेंदबाजी नहीं कराते हैं लेकिन आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास काफ़ी अच्छी है। उसके बाद यहाँ से मिचेल स्टार्क, हालांकि विकेट नहीं मिल रहा है लेकिन एक मेन बॉलर के रूप में ये आप कभी भी अच्छा खासा विकेट निकाल सकते हैं गुच्छे में, तो इनको मिस करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। एडम जंपा जैसे मैंने आपको बताया ये भी एक मस्ट पिक हो सकते हैं, जैसे एस्टन अगर एडम जंपा विकेट टेकिंग बॉलर है तो मेरे हिसाब से मस्ट पिक होने चाहिए इस विकेट पर, खास करके स्लो विकेट पर। केन रिचर्डसन ने लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला है, मेरे हिसाब से 10 में गेंदबाजी करा रहे हैं, और अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बॉलिंग करा रही हो तो मेरे हिसाब से ये एक मस्ट पिक होने वाले हैं। यहाँ से अब ओपन बॉलर की बात करें तो मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन, पैट कमिंस ये इनके ओपन बॉलर हैं। 10 बॉलर में मिचेल स्टार्क और केन रिचर्डसन मेरे हिसाब से हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट पिक, तो डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ और एरन फिंच को आप चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज ये भी एक मस्ट पिक है। उसके बाद मैथ्यू वेड और एलेक्स करी में से कोई एक अगर आप चाह रहे हो तो एस्टन अगर, और यहाँ से एडम जंपा, और यहाँ से मिचेल स्टार्क, और आप केन रिचर्डसन और पैट कमिंस में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंपॉर्टेंट पिक्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से, हम लोग अपना कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन देखें तो यहाँ से मेरे हिसाब से डेविड वार्नर, डिकॉक जिस तरीके से दोनों फॉर्म में, मेरे हिसाब से दोनों बेहतरीन ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। स्टीवन स्मिथ, एरन फिंच और बहुमा, अगर बहुमा खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में मैथ्यू वेड, एलेक्स कैरी, डेविड मिलर, आरवी डसन, इन चारों को जरूर ट्राई कीजिएगा। और खास करके मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप एरन फिंच को और क्विंटन डिकॉक को ग्रैंड लीग में एक टीम में जरूर मिस कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों थोड़ा स्पिन को मतलब उतना अच्छा नहीं खेल पाते जितना कि डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ खेल लेते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग एक टीम में उन दोनों को जरूर ड्रॉप करना। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अपने कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है मैं आपको दिखाऊं, तो विकेट कीपर सेक्शन से क्विंटन डिकॉक मस्ट पिक ऑप्शन है, आप यहाँ से एलेक्स कैरी या मैथ्यू वेड में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें ऑलराउंडर बैट्समैन सेक्शन की, तो स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, फाफ डू प्लेसिस, रेजी वैन डसन, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ से मिचेल स्टार्क को यहाँ से ड्रॉप करके रेजी वैन डसन की जगह पर आप लोग एरन फिंच को ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक ऐसा बॉलर लेना पड़ेगा और पिटोरियस को मिस करके भी 2 8 क्रेडिट वाले आपको प्लेयर लेने पड़ेंगे, तो वो चीज़ को मैं उससे मेरा पूरा टीम मतलब गड़बड़ हो रहा था इसलिए मैंने एरन फिंच को मिस कर दिया है। आप चाहें तो एरन फिंच के साथ जा सकते हैं स्टीवन स्मिथ की जगह पे। उसके बाद यहाँ से मैंने और एस्टन अगर और ड्वेन पिटोरियस को लिया हुआ, अगर ड्वेन पिटोरियस नहीं खेलेंगे तो मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा और हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे गूगल या टेलीग्राम कहीं पे भी जाके आपको सर्च कर लेना है फैंटेसी बज 11 FNTSYBUZZ11, ये सर्च करेंगे 65,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल देखेगा वहाँ पे जुड़ जाना है। तो इसके बाद बैट्समैन बॉलर सेक्शन में मैंने यहाँ से लिया है मिचेल स्टार्क, केन रिचर्डसन, जंपा, नगीडी, आप यहाँ से जो मिचेल स्टार्क को ड्रॉप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेन बॉलर है और कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये मेरी कॉम्बिनेशन है। बाकी कैप्टन डेविड वार्नर, वाइस कैप्टन क्विंटन डिकॉक, आप इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। स्टीवन स्मिथ, एरन फिंच भी अच्छे ऑप्शन है, और यहाँ पे आप बॉलर सेक्शन में कुछ भी चेंज करना चाहो, पैट कमिंस को लेना चाहो, रबाडा को लेना चाहो तो ले सकते हो, पिटोरियस की जगह पे भी आप लोग चाहो तो मतलब थोड़ा सा क्रेडिट मैनेज करके आप डेल स्टेन ये अगर खेलते हैं तो ट्राई करना, और यहाँ पे अगर एरन फिंच को लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, बस मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाई पिच को देखते हुए, बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर लेना। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, मिलते अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।